जय हिंद। मैं स्टेटर चंद्रमोहन यूथ फाउंडेशन कैंप किलो उत्तरकाशी फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं यूथ फाउंडेशन में। आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन आर्मी में किस तरीके से हाथ को चेक किया जाता है और अगर आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले जैसे हाथ में गैप, हाथ की कुनी मिलना, ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है। एक्सरसाइज के जरिए बताएंगे कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले आपका हाथ सीधे इस तरीका से और आपका इसके बीच में ये गैप होना चाहिए, ये कूनी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपका ये गैप है तो ये भी गैप होना चाहिए, ये उठा है तो ये भी उठा होना चाहिए। अगर एक में गैप है और एक में उठा हुआ है तो आप मेडिकल अनफिट हैं। नंबर दो, आप देखो ये सीधे, इसमें भी आपको क्या चेक करना है, सीधे ये जो उठा हुआ भाग है ये कूनी का, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो आप मेडिकल अनफिट है। अभी सीधे इसमें भी आपको यहाँ से इस तरीका से ये पूरा और ये जो उठा हुआ भाग है ये पूरा चेक किया जाता है, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे तो आप मेडिकल अनफिट हैं, अगर ठीक है तो आप मेडिकल फिट हैं। तो इस तरीका से इंडियन आर्मी में हाथों का मेडिकल लिया जाता है। अभी बताते हैं आपको, अगर आपके हाथों के बीच में गैप नहीं बनता है, आपके कूनी मिलती है, तो उसको कैसे और उसके लिए क्या एक्सरसाइज होती है, किस एक्सरसाइज से उसको दूर किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं हाथों की कूनी से पूरा, तो आप इस तरीके से और इस तरीके से इन दोनों पे, दोनों हाथों पे बराबर वेट होना चाहिए। होता है वेट के लिए, जितना आप वेट लोगे उतना आप पे ताकत और आपका मसल्स अच्छा रहेगा और इस तरीके से भी आपको ये एक्सरसाइज से आपकी हाथों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ, अब अभी लेते हैं नंबर दो में आप ये पूरे और लो सामने, हाँ बाइन अप डाउन, इस तरीके से आपके जो ये कूनी है ये दोनों बराबर, एक ज्यादा एक कम नहीं, बराबर होनी चाहिए। अप डाउन अप डाउन, हाँ अप। तो इस तरीके से अगर आप डेली रूटीन में इसको डे टू डे तकरीबन एक महीना तक अगर इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका हाथ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, आपके हाथ की जो नोकनी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपका हाथ के नोकनी मिलके तो इसके बीच में आप जैसे आप इस तरीका से आपका हाथ है तो इसके बीच में आप तकिया कौन सी होनी चाहिए, रुई वाली जो सख्त होती है, सख्त चीजें ताकि इसमें गैप बने, और रुई वाली तकिया आप लकड़ी का अच्छा सा गुटका उसको इसके अंदर बांध करके कम से कम 2-3 घंटे तक बांध करके लेट जाओ तो इस तरीके से भी आपके हाथों का गैप और कूनी का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट में आपको पीछे, नेक्स्ट में आपको आपके पास रबर होना चाहिए, रबर से होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीका से यहाँ से ये बांध दिया है और इस तरीके से आप खींचो, ये ऑफ ऑफ अब, तो इस तरीके से भी इन एक्सरसाइज के तरीके से भी आपका हाथों में गैप बनता है और आपके हाथों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, इस एक्सरसाइज को डेली रूटीन में एक महीने तक अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपका 101% आपका हाथों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसी तरीके से हम जब हमारे अपने यूथ फाउंडेशन के सिलेक्शन कैंप लगते हैं, अपने कैंपों में डे टू डे हम अपने स्टूडेंटों को अपडेट करते हैं कि किसको क्या कमी है, किसको क्या एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से करना है, तो हम डेली इनसे कराते हैं। तो इसी तरीके से इसको डेली रूटीन में करें, आपके हाथों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जय हिंद, जय विदिशा।